शनि देव सूर्य पुत्र हैं और ये न्याय के देवता भी माने जाते हैं। ये मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसको फल भी देते हैं। अगर शनि देव की कृपा किसी व्यक्ति पर हो तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। उसके कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वो अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव किसी से क्रोधित हो जाएं, तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत से दुखों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति शनि देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपायों को करता है जिसे शनि देव की कृपा प्राप्त हो सके। आज हम आपको उन 5 राशियों के व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहेगी और इनका भाग्य पूरा पूरा साथ देने वाला है। इनको अपने जीवन में बहुत सी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। तो आइए आपको बताते हैं कि वो 5 राशियां कौन कौन सी हैं। पहला, मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी हुई है। इसकी वजह से इस महीने में ये बहुत ही किस्मत वाले रहेंगे। अगर इनका कोई कार्य काफी लंबे समय से रुका हुआ है तो वो कार्य तेजी से बनेगा। शनि देव की कृपा से आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप निर्धनों और असहाय की मदद करेंगे तो इससे शनि देव प्रसन्न होंगे। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को शनि देव की कृपा से बिगड़े हुए काम सभी बन जाएंगे और आपका मन काम में लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बनेगी। आप अचानक से किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, अन्यथा ये आपके लिए एक हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होने की वजह से आपका मन प्रसन्न होगा। सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। तीसरा, सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को शनि महाराज की कृपा से इनके जीवन में सभी कष्टों का निवारण होगा। लेकिन आपको अपने क्रोध को शांत रखने की आवश्यकता है। क्रोध में आकर किसी प्रकार का बड़ा पारिवारिक और व्यापारिक निर्णय मत लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना भी बनी हुई है। समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको सेहत संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। चौथा, कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस महीने में अचानक अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप पर शनि देव की कृपा से इन चुनौतियों को पार करेंगे। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में हैं, उनके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और ये अपने प्यार को हासिल कर पाएंगे। आपके जीवन में बहुत सी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। पांचवा, मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनि महाराज की कृपा दृष्टि बनी हुई है जिसकी वजह से कई सालों से रुके हुए कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। व्यापारिक क्षेत्र में आप तेजी से सफलता को प्राप्त करेंगे और व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से आपको लाभ मिलेगा। आपको सफलता प्राप्त करने में अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की सहायता लेनी पड़ सकती है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आप जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।